अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपना इंक्यूबेटर दिखाऊंगा और उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। ये 50X वाला इंक्यूबेटर है, इसमें मैंने अपने मुर्गियों के एग्स रखे हैं। अभी इनकी रोटेशन का टाइम है। सिंपल, आपको कुछ भी प्लस माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये दो अंडे हैं, ये मैं साइड में कर दूंगा। इनकी डेट पूरी हो गई है, अभी एक 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 डेढ़ दिन में निकल आएंगे। सिंपल, आपको हल्का सा बिल्कुल हाथ फेरना है ये एक्स पे। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने हाथ सारे अंडे पलट दिए 1 मिनट में। अब आप टाइम भी देख सकते होंगे कितना टाइम लगा मुझे एक्स की रोटेशन करने में। ये देख सकते हैं मैंने सारे एग्स पलट दिए। कोई भी अब बगैर पलटा हुआ नहीं है, सारे पलट दिए मैंने। ये मैंने अब एक फैन, दो फैन और दो बल्ब लगाए हैं। वैसे तो एक लगाए होते, मैंने दो लगाए हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए। एक मैंने लंबा सा बर्तन रखा है इसके नीचे ताकि ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाए। अब वापस इसे ज़्यादा देर नहीं खोलते, अब इसे हम वापस बंद कर देते हैं जैसा ही था। ये हमने बीच में रखना है अंडों के ऊपर, और ये क्लॉक हमें यहाँ साइड में रख देना है। सिंपल, और देख सकते हैं टेम्परेचर आप। अभी हम आपको एग कैंडलिंग करके बताएंगे कैसे आप अंडे की एग कैंडलिंग करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लोगों ने बना दिया है। ऐसे करना है, ऐसे करना है, सिंपल आपको एग उठाना है। ये आपने टेप लेना है, ये देखें दिख रहा होगा आपको, नहीं भी दिख रहा तो ये देखो, अब दिख रहा है शायद आपको। इसकी डेट पूरी हो गई है, ये कल तक इंशाल्लाह निकल आएगा। ये रहा, अब दूसरा एक हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी बच्चा तैयार है, ये भी इंशाल्लाह कल तक निकल आएगा। बच्चा सांस लेता हुआ भी दिख रहा है, ये देखें। ये दोनों अंडे फर्टाइल हैं। अब ज़्यादा देर हम इंक्यूबेटर खोलते नहीं हैं, अब हम बंद कर देते हैं वरना तो नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा देर खोलना ठीक भी नहीं है। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरे इंक्यूबेटर का रिज़ल्ट है। ये गोल्डन बफ का एक बच्चा है इसमें, ये असील का, दो असील के हैं देख सकते हैं। फुल एक्टिव है। मैं आपको किसी दिन अपने गोल्डन बफ का पेयर भी दिखाऊंगा। ये रहे फुल प्योर क्वालिटी, सील में भी ये मियाँ वाली के बच्चे हैं। सारी मेरी घर की ब्रीड है और सारी घर की मुर्गियों के बच्चे हैं। और चैनल से भाइयों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, भूलना नहीं है।